आपने समंदर तो देखा ही होगा, क्या कभी समुंदर के अंदर जाकर देखा है? तो चलिए देखते हैं जमीन पर समंदर जैसा नजारा। नामपल्ली एग्जीबिशन में पहली बार दुबई सिंगापुर जैसा आलीशान अंडर वाटर फिश टनल। दुनिया भर के 100 से ज्यादा किस्म के इंपोर्टेड फिश जैसे एलिगेटर, शोवेल नोज, कैट फिश, पायरेट फिश। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते के रोज अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह पर नाराजगी का इजहार किया। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद और उसके आसपास के इलाके को मुनज़्ज़िम यानी सिस्टमेटिकली तरीके से छीन लिया गया है। हिंदुस्तानी मुसलमानों और उस जगह राम मंदिर का इफ्तिताह मुसलमानों को हिंदुस्तान में उनकी जगह दिखाने की अलामत है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद में 500 साल से ज़ायद अरसे तक नमाज पढ़ी और जब गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला थे तो मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई। उस वक्त के नायर अयोध्या के कलेक्टर थे, उन्होंने मस्जिद बंद कर दी और हिंदुओं को इस जगह पूजा करने की इजाज़त दी। VHP की तश्कील के वक्त राम मंदिर का वजूद नहीं था। महात्मा गांधी जो श्री राम के एक अजीम भक्त थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अयोध्या में कभी राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। तमाम सियासी जमातें तारीख को भुला रही हैं और एक मनसूबाबंद तरीके से तारीख को मस्ख करके पेश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि 500 साल तक मुसलमान वहाँ पर उस मस्जिद में नमाज़ें अदा की और जब जीबी पंत वजीर आला या मुख्यमंत्री थे उस ज़माने में रात के अंधेरे में वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई। तो कानून ये कहता है 145 CRPC कि अगर मैं किसी के घर में जाए कब्जा कर लिया तो आप उसको बंद करके निकाल देते, वो नहीं किया जीबी पंत ने। फिर वहाँ एक उस ज़माने में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, उनका नाम था नायर। नायर साहब ने मस्जिद को बंद कर दिया, मुसलमानों को आने से रोक दिया और फिर वही नायर साहब 1950s में जनसंघ के MP बने लोकसभा में। फिर ये सिलसिला चलता गया, मुसलमान तो महरूम हो गए इबादत से। 1986 में उस ज़माने में बग़ैर मुसलमानों को सुने एक 26 पेज का ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया। उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, 5-6 मिनट की सुनवाई में 26 पेज का ऑर्डर दे दिए, तो यानी पहले से टाइम शुदा ऑर्डर था। और जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मैं ये फैसला इसलिए दिया क्योंकि मेरे को ऊपर से इशारा हुआ। और इशारा क्या हुआ, जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मेरे घर की दीवार पर और कोर्ट की दीवार पर मैंने 2 दिन तक एक काले बंदर को बैठते हुए देखा। तो बूटा सिंह मत शिलान्यास कर दिए। फिर 6 दिसंबर को जो डिमोलिशन हुआ उसमें BJP के पूरे लीडर, संघ परिवार के पूरे लीडर सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये वादा किए कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, वो डिमोलिशन हो गया। अब तक सुप्रीम कोर्ट वो कंटेम्प पिटिशन हियर नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट का जजमेंट आया और टाइटल सूट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेथ की बुनियाद पर हम वहाँ पर मंदिर के जो डिमांड कर उनको देंगे। तो हम मुसलमानों का झगड़ा जो ये था, ये टाइटल का झगड़ा था। हम वहाँ नहीं गए थे कि हमारे को यहाँ नहीं तो 5 एकड़ वहाँ दे दो, 5 एकड़ के लिए नहीं गए थे हम। तो ये फेथ की बुनियाद पर जब फैसला आया तो मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि वो जजमेंट के बाद ही BJP और संघ परिवार के हौसले बहुत बुलंद हो गए और मैंने जिस खदशे का इजहार किया था वो आज सच बदबख्ती से सच साबित हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि कई पुराने इश्यूज खुल रहे हैं। तो जैसा कि सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का एक साबिका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने अंग्रेजी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, तो आज हम वही देख रहे हैं। और अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंत की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, बोलते अरे भूल जाओ ना भाई, तुम लोग, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और
कई इश्यूज पैदा हो गए। अब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बोल रहा है कि हाजी मलंग दरगाह को मैं तब्दील कर दूंगा। सुनहरी मस्जिद दिल्ली का क्या हिस्सा है बताइए आप। तो ये सब चीजें, ऊपर से मोदी ये चाहते हैं कि इससे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट कंसोलिडेट हो जाए उनके लिए। और दूसरा उनका मकसद ये है कि भारत के मुसलमानों को उनकी हैसियत और उनका मुकाम दिखाना। वो तो बीजेपी तय कर चुकी है कि मार्जिनलाइज करना, पॉलिटिक्स से मुसलमान को मार्जिनलाइज कर चुके हैं। ऊपर से जो दूसरे पार्टीज हैं जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम हर ट्यूसडे को सूरजकंड पाठ और हनुमान चालीसा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे हर मजहब के मानने वाले थे, कोई मानता भी नहीं खुदा को। फिर ये सब जो चीजें हो रही है, ये क्या हो रहा है? इससे ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, ये एक्चुअल हिंदुत्व है। और फिर आज आप देख रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल दिया कि 22 तारीख को आधे दिन की छुट्टी दे रहे। फिर क्यों बीजेपी रूल स्टेट्स मिलादुन्नबी के छुट्टी खत्म किए? एक दस्तूरी होते पर एक शख्स फायज है, उन्होंने फ्राइडे के दिन लंच ब्रेक कम कर दिए। आज NCLT बोल रहा है कि 22 तारीख के दिन आधे दिन छुट्टी दे रहे। तो ये क्या हो रहा है? ये आप इस